नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। आज मीरा भाईंदर मनपा में महासभा चालू थी, जहाँ पे अचानक एक बाहरी व्यक्ति उस महासभा के अंदर चला गया और महापौर के डाइस पे चढ़कर हंगामा किया, जिसके बाद वहाँ पे अफ्ता तफरी मच गई कि आखिर ये व्यक्ति आया कैसे और क्यों आया। तो यहाँ पे जो महापौर है उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं एक चूक नज़र आती है। इस मामले को देखते हुए आनन फानन में महापौर के जो सुरक्षा थे उनको तो तत्कालीन उन्हें डिसमिस कर दिया गया या उन्हें हटा दिया गया, लेकिन सुरक्षा गार्डों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने महापौर दलान के सामने विरोध प्रदर्शन किया। और उन्होंने कहा कि जिसकी कोई गलती नहीं थी आपने उसे तो हटाया, लेकिन जिसकी मुख्य वजह से जिसकी गलती थी, जिसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी, उस व्यक्ति के ऊपर अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ, जिसके चलते अभी तक महासभा बंद है। आइए बात करते हैं उन नगर सेवकों से, क्या कहना है उनका। सभा इस तरीके से असुरक्षित है? नहीं, इसके ऊपर प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। दिखाई दिया है माननीय आयुक्त महोदय को इसके बारे में जानकारी के देने के बावजूद भी ये हरकत आज यहाँ पे हुई है। इसके लिए मुझे अफसोस लगता है कि मेरी सुरक्षा भी यहाँ पे प्रशासन ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो ये जो यहाँ पे सुरक्षा के रक्षक यहाँ पे है जो लाए हुए हैं, तो इसके बारे में हम जरूर सोचेंगे, क्योंकि ये कोई भी काम नहीं करते ऐसा दिखाई दे रहा है। सही बात है, आज की महासभा में विरोधी जो भी पक्ष था उन्होंने प्रशासन के अभिनंदन का ठहराव रखा और उसमें उन्होंने बहुत सारे में कहा जो जो काम प्रशासन ने अच्छे काम किए हैं उसका अभिनंदन जरूर होना चाहिए। मगर इसके साथ साथ मीरा भाईंदर शहर जो हम कहते हैं कि स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर, और इसमें अगर शौचालय की ऐसी परिस्थिति होगी तो कोई भी सत्ताधारी या विपक्ष कोई भी सहन नहीं करेगा। और आज महासभा में सभी नगर सेवकों ने इसके बारे में कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बारिश होने वाली है और बारिश के पहले जितने भी हमारे शौचालय है अच्छे होने चाहिए। 12 कोटी का जो हमने ठेका दिया है वो ठेकेदार क्या काम करता है, या अगर ऐसी पद्धति की सफाई होगी तो वो ठेकेदार को ठेका मतलब कैंसिल करना चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और नए कोई अच्छे ठेकेदार को काम देके, नहीं तो प्रशासन के माध्यम से सभी शौचालय साफ करने चाहिए। ऐसी मेरी भी मांग है और इसके ऊपर हम जरूर एक्शन लेंगे और वो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई भी। अभी आप लोग ने सभी ने देखा, बिना पूछे वो महापौर के दालन बोले तो हाउस में घुस के डैश पे वहाँ जाके सिपाही के साथ में झगड़ा कर रहा था, उसका हम लोग निषेध कर रहे हैं। महापौर का अधिकार जो है उसके अधिकार के कारण उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए और हम लोग की सुरक्षा होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आंदोलन पे बैठे। और सिपाही जो था उसके ऊपर कार्रवाई हुआ है, उसको आप काम पे लेना चाहिए, सिपाही का कोई गलती नहीं। नहीं, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा रक्षक जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसको देखते हुए क्या लगता है, अधिकारी चार चार बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं? नगर पालिका नीचे से लेके ऊपर तक आप देखेंगे तो पूरा सिक्योरिटी गार्ड से भरा हुआ है। बाहर के कोई भी आदमी आ रहे जा रहे उनको कोई फर्क पड़ता नहीं, नगर पालिका का पैसा वो जायज जा रहा है, इसी के लिए हम लोग निषेध करने बैठे। दुर्दैव की बात है कि एक बड़ी सभा में एक भारी व्यक्ति वहां पर आकर, जो कि महापौर का अधिकार है कि वो महासभा के अंदर उनकी इजाज़त के बगैर कोई घुस भी नहीं सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने इतनी हिम्मत की कि वो डायस के ऊपर चढ़ गया और डायस पे चढ़ने के बाद में वो मतलब उसको पूछा गया कि तुम ये अंदर आए कैसे, तो बोलता है हमको चाय पानी बिस्किट के लिए अभी तक आपने पूछा नहीं, जो पब्लिक गैलरी में बैठती है। और इस प्रकार से जो आज कृत्य हुआ है वो बहुत ही निंदाकारक है और हम इसका निषेध करते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर महानगर पालिका के द्वारा केस नहीं होगा, क्योंकि अगर केस नहीं होगा तो ऐसा कोई भी व्यक्ति बाहर से भी कभी भी आके अंदर घुस सकता है, किसी की भी हिम्मत बढ़ सकती है। इसीलिए महानगर पालिका के आयुक्त का पूरा अधिकार है कि वो उस व्यक्ति के ऊपर बाकायदा FIR होनी चाहिए, क्योंकि महापौर की सिक्योरिटी, महापौर के साथ साथ पूरे सभागृह की सिक्योरिटी की बात है। इसलिए हम चाहेंगे कि कमिश्नर साहब इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लें और उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज करें। इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर ऐसी घटना घटती है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो अभी तक केस नहीं हुआ, पर हमें उम्मीद है कि केस जरूर होगा, और अगर नहीं होगा तो हम इसी प्रकार से हमारा ये जो हमने आज निषेध किया है वो हम जारी रखेंगे। जिस चीज़ के लिए हम लोग आंदोलन में बैठे हैं वो आप खुद देख सकते हो, महापौर केबिन में एक भी सिक्योरिटी नहीं और कमिश्नर के केबिन के बाहर सब सिक्योरिटी खड़े हुए हैं। महानगर पालिका के दीपक कांबीज जी के ऊपर हमला होने के बाद भी अगर हम लोग इसमें नहीं सीखे तो इससे बड़ा और कुछ हमारा दुर्लभ नहीं हो सकता है।
ये आदमी जो निकम जो आज घुसा है, ये उसका एक दादागिरी है, वो एक चेन स्नैचर है, और साथ ही साथ उसके ऊपर 324 और 326 उसके ऊपर रिकॉर्ड है, और वो फरार है काशीमीरा पुलिस स्टेशन से। और ऐसा इंसान अगर काशीमीरा वहाँ से फरार होके अगर हमारे महानगर पालिका के अंदर अगर वो घूमता है, तो इसका मतलब कुछ तो वो किसी का साथ जुड़ा हुआ है, और वो ऐसे सीधा इस डायस के ऊपर कोई नॉर्मल आदमी घुस नहीं सकता है। और ये इंसान कमिश्नर के पीछे जाके खड़ा होकर किसी को भी तकलीफ दे सकता है। मतलब क्या हम उस दिन के लिए वेट करें कि ये किसी के ऊपर हमला करे और फिर हम लोग एक्शन लेवे? अब तक महानगर हो सकता है इस पर कोई जो ये प्रहार जो ऑलरेडी जो नाम से जो चला रहा है वो इस पे ऊपर कोई तो बड़ा नेता का हाथ है, इससे जुड़ा हुआ है आप बोल रहे हैं। ये आप लोग को ढूंढना है वो किसके साथ जुड़ा हो, किसी का तो जुड़ा है, ये प्रहार कौन उसका पर्सनल तो नहीं है। उसमें मनपा ने तो एक एक सिपाही को गली का बकरा बना दिया है, वो कैसे आप देखते हैं उसी वो असली में गरीब आदमी हमेशा जो बेकसूर आदमी है वही पिस जाता है हमेशा, जिसके जैसे क्रिमिनल आदमी निकल जाएगा। महापौर मैडम या ठिकाणी माणसं बसले दालनात, मेरा भाईंदरचा प्रमुख विषय ऐकायला, पण तुम्ही या ठिकाणी दालनात बसलेल्या माणसाला चहा नाही पाणी नाही काय नाही, आम्ही काय जनावर आहे का तुमचा विषय ऐकायला? आम्ही काय आहोत? मेरा भाईंदर शहराचे विषय ऐकायला आम्ही महासभेत आलो, 11 वाजल्यापासून आम्ही बसलोय महासभेत सामान्य जनता। मी स्वतः एक राज्यमंत्री म्हणून साहेबांचा अध्यक्ष आणि आमचे पदाधिकारी आहेत, आम्ही लोक त्या ठिकाणी 11 वाजल्यापासून पाणी कुठपर्यंत योग्य आहे अहो साहेब, या ठिकाणी पाणी नाही। मी महापौर मॅडमला फोन केला, मॅडम आम्हाला इथं पाण्याची व्यवस्था करून द्या। महापौर मॅडमनी त्या शिपायाला सांगितलं की या माणसाला पाण्याची व्यवस्था करून द्या बाहेर दालनामध्ये जनतेला, तरी त्यांनी व्यवस्था केली नाही। शेवटी शिपायाला भेटलो, शिपाई बोलले तुम्ही श्रीनगर साहेबांना भेटा, श्रीनगर साहेबांना भेटण्यासाठी शिपाई मला स्वतः दालनात घेऊन गेला, मी गेलो नाही। मी सहा शिपाईला कार्यकर्ता मी मला सगळं माहिती आहे, महासभा शिपाई घेऊन गेला, महासभेमध्ये सुद्धा शिपाई घेऊन गेला, पालिकेने शिपाई घेऊन गेला, माझ्यावर जी कारवाई त्याच्यावर पण कारवाई झाली पाहिजे।